जहां ग्रेटर नोएडा में घने कोहरे के चलते एक बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में 15 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। चार वाहन आपस में भिड़े हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। विजिबिलिटी कम होने की वजह से यह हादसा हुआ है। ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे की यह पूरी घटना बताई जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, ग्रेटर नोएडा से ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे की ये पूरी घटना है। चार वाहन आपस में भिड़े, जिसके बाद 15 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता तरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तरुण, प्रदूषण की मार और साथ ही साथ विजिबिलिटी इतनी ज्यादा कम हो चुकी है कि चार वाहन आपस में टकराए हैं, 15 से ज्यादा लोग घायल है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, ये ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे का मामला है ग्रेटर नोएडा, जहां ये सभी परिवार जो है ग्रेटर नोएडा से की तरफ से हरियाणा की तरफ जा रहे थे, लेकिन देर रात से ही जो धुंध है, जो विजिबिलिटी है बहुत कम है, घना कोहरे की वजह से हादसा बताया जा रहा है। जो एक ट्रक आगे चल रहा था, जिसके बाद ट्रक ने अचानक ब्रेक लिए और जिसके बाद एक के बाद एक तीन से चार वाहन आपस में क्षतिग्रस्त हो गए, जिसमें लगभग 15 से ज्यादा लोग चोटिले बताए जा रहे हैं, घायल बताए जा रहे हैं, जिसके बाद वहां आसपास जाम लग गया क्योंकि घना कोहरा है। आज ग्रेटर नोएडा में सबसे ज्यादा कोहरा है, विजिबिलिटी इतनी कम है कि लोग वाहन नहीं चला पा रहे हैं हाईवे पर, और बड़े हादसा की संभावना भी जताई जा रही है। पुलिस लगातार सभी से अपील भी रास्ते में और टोल प्लाजाओं पर अपील भी करती हुई नजर आ रही है। यह हादसा सुबह का है और पुलिस ने सभी को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में भी भर्ती करा दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़े जिस तरह हादसा हुआ है, जब घना कोहरा आता है, जब इस तरह हाईवे पर कहीं ना कहीं इस तरह के हादसे होते हैं, लगातार पुलिस ने सभी को सूचित और सभी को घर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं जो और ठीक लोग हैं, और जो वाहन थे हाईवे से उन्हें हटाया जा रहा है ताकि और कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। ये सुबह का बड़ा और दर्दनाक हादसा बताया जा रहा है क्योंकि लगातार विजिबिलिटी बहुत ही कम होती नजर आ रही है, वाहन रेंग रेंग कर चलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हाईवे पर और भी घटनाएं बढ़ सकती हैं, यह संभावना प्रशासन भी, पुलिस भी, ट्रैफिक पुलिस भी ये जता रहा है और सभी से बार बार यही अपील कर रहा है कि सावधान और सुरक्षित होकर चलें। लगातार जिस तरह हादसे हुए, लेकिन अभी फिलहाल पुलिस पूरे मामले पर जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है और पूरे तरीके से रिफ्लेक्टर लगा दिए गए हैं और जहां से वाहन आ रहे हैं और जहां वाहन उतरेंगे वहां भी सब आसपास सबको सूचना दे दी गई है क्योंकि सभी को सावधान कर दिया जाए, लेकिन फिलहाल की स्थिति जो है यही क्षतिग्रस्त है। क्रेन की मदद से और हाईवे से वाहनों को हटाया जा रहा है क्योंकि जो वाहन पीछे से आ रहे हैं वो कहीं उनसे ना टकरा जाए और कोई बड़ा हादसा फिर ना हो जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तरुण आपका तमाम जानकारियों के लिए।